हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफल ओम के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। 22 तारीख के करंट अफेयर को आज हम देखेंगे, 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर को देखने से पहले हम कल के करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं, यानी 21 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमेशा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वहां स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका 21 अप्रैल करंट अफेयर, इसको रिवाइज करने के बाद हम 22 तारीख के करंट अफेयर यानी आज के करंट अफेयर पर पहुंचेंगे। चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? भारत में द्वितीयक बाजार के लिए, द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए ASBA जैसी सुविधा शुरू की गई है, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, तो सेवी के द्वारा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1 लॉन्च किया है? तो केन्या ने। किसके द्वारा 22 अप्रैल को सिंगापुर के टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में थावे महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो बिहार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये CUB यानी आपके सिटी यूनियन बैंक। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपके आशा भोसले जी को सम्मानित किया जाएगा। और मैंने बताया था नरेंद्र मोदी पहले थे जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा है? तो राजस्थान अव्वल रहा है। हाल ही में किस देश ने फेंगून 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो जैसा नाम समझ में आ रहा है, चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर जो है कहां खोला गया है? मुंबई में, और दूसरा दिल्ली में। देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले सीड्स शहरों में कौन सा शहर सीड्स पर है? तो आपका बेंगलुरु सीड्स पर है। अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह कौन सा देश लेगा? तो अर्जेंटीना को दे दिया गया फीफा के द्वारा। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का आयोजन 9 से 18 जून को कहां किया जाएगा? तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में किया जाएगा। किस सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अधिसूचित किया है? तो केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है? भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, जो जिम्बाब्वे के लिए भी इन्होंने खेला था, मूल निवासी जिम्बाब्वे के ही हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत का दूसरा एप्पल स्टोर कहां खोला गया है? अभी हमने बात की, दिल्ली में खोला गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार बनाया गया है? तो संदीप सिंह जी को बनाया गया है। अब आ जाते हैं हम आज के करंट अफेयर यानी 22 तारीख के करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विस डे 2023 कब मनाया जाता है? अतः 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल या 21 अप्रैल। जैसा आप समझ पा रहे हैं, 21 अप्रैल को ही आपका राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। अगर 2023 की थीम की बात कर लें, है ना, तो क्या है, विकसित भारत, नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, ये थीम जो है 2023 के लिए बनाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPSC के और UPSC के स्टूडेंट्स के लिए थीम याद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो बताइए, रोमन विल्सन बन गए हैं, कैथी होचुल या ब्रैड हॉयलमैन। तो ये रोमन विल्सन को बनाया गया है, इससे पहले कैथी होचुल को बनाया गया था, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों के बस हटा करके रोमन विल्सन को बनाया गया, और ये पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 3 हमारा। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? देखिए, ये फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कई सारे कैटेगरी हैं, एक तो कार्यान्वयन हो गया, नवाचार हो गया, है ना, इस तरह के अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला। जो मेन फोकस पुरस्कार है वो कार्यान्वयन है, तो कार्यान्वयन ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और कार्यान्वयन में ये किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। कर्नाटक को फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान जो है उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
अब देखिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं, तो ये रहा कर्नाटक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के बगल में है, केरल के बगल में है, ठीक है। और अगर राजधानी की बात कर रहे कर्नाटक की, तो बेंगलुरु, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री आपके बसवराज मुंबई है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात कर लें तो 75.36% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लें 319 प्रति व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात कर लें तो 973 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और अभी वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज भी यहाँ पेश किया गया है। और मवेशी गोल देने की जो योजना है, पुण्य कोटि दत्तु योजना भी शुरू की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का भी शुभारंभ यही किया गया, इसी राज्य में किया गया है। और यहाँ के जो कर्नाटक सरकार के जो है, उन्होंने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। पर संख्या 4 पे आ जाते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को विदेशी मुद्रा से संबंधित डील करने की अनुमति दी है, बताइए? एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या सिटी यूनियन बैंक, बताइए? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दिख रहा है आपको इमेज में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही जो है आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संबंधित डील करने की अनुमति दी है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की बात करें तो अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान के जोधपुर में, और आवास विकास निगम लिमिटेड इस नाम से पहले इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या हमारा 5 पे आ जाते हैं। किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी यानी आपका राष्ट्रीय मेडिकल या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कह सकते हैं आप, एनएमसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन कह सकते हैं या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके द्वारा ही जो है मंजूरी दी जाती है मेडिकल कॉलेजों को। और ये पहला अपना जो है नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिल गया है जो एनएमसी ने भी मंजूरी दे दी है। तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये रहा आपका नागालैंड यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश सटा है, ठीक है, असम से सटा है, ओके। और ये देखिए यहाँ पर कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। ला गणेशन जो है राज्यपाल है यहाँ के। मुख्यमंत्री की बात कर लें तो नेफ्यू रियो है। लिटरेसी रेट 79.6%, पॉपुलेशन डेंसिटी 119, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 909 है। प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। किस राज्य के मूलापेटा पोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या उत्तर प्रदेश से, या आंध्र प्रदेश से? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य में ही जो मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट है और जो भी अन्य विकास परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत यहीं से की गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये देखिए आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, किन किन राज्यों से सटा हुआ है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है आपका, ठीक है, कर्नाटक से भी सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए, वो देख लेते हैं। राजधानी अमरावती है, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लें तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिटरेसी रेट की बात करें 67.41% और सेक्स रेशियो 993 यानी 993। चलिए प्रश्न संख्या हमारे 7 पे आ जाते हैं। किस बैंक ने कैजाद भरूचा को उप प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, एचडीएफसी ने, या पीएनबी ने? तो एचडीएफसी ने जो है ऐसे कैजाद भरूचा को उप प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त किया है। अब बात कर रहे थे एचडीएफसी, तो इसके संस्थापक जो है हसमुख भाई पारेख जी हैं। और स्थापना कब हुई थी एचडीएफसी की, 1977 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में मुख्यालय। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या हमारा 8। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय जो है वो खोलेगा, भारत में, फ्रांस में, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यानी यूएई में? तो यूएई इज द राइट आंसर, यूएई इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं यूएई, देखिए यहां पर है, ये रहा, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। और अबू धाबी इसकी राजधानी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम आपके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये रहा इसका झंडा यानी प्रतीक चिन्ह नहीं कह सकते, झंडा कह सकते हैं, फ्लैग। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा स्टेडियम रहेगा जिसमें बहुत सारे गेम्स जो है वो प्ले हो सकते हैं, खेले जा सकते हैं। तो बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, शिलोंग में, ईटानगर में, या अगरतला में? ध्यान रखिएगा शिलोंग में ही, मेघालय की राजधानी जो है वहीं पर क्षेत्र का यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये रहा आपका मेघालय, ये देख पा रहे हैं आप, बांग्लादेश से सटा हुआ है, ठीक है। गारो वासी जयंती यहीं पर आपकी अवेलेबल है, ये भी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पे होती है। राजधानी जो है शिलांग, राज्यपाल फागु चौहान है, मुख्यमंत्री आपके कॉनरेड संगमा है। पॉपुलेशन डेंसिटी 132, लिटरेसी रेट 74.4%, लिंगानुपात 989, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आइए, असम के बारे में भी जान लीजिए, मैंने बना दिया था तो आप देख लो, ये रहा असम, बिल्कुल पूर्वोत्तर में, बिल्कुल बीच में, ठीक है। दिसपुर राजधानी है, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। लिटरेसी रेट की बात कर लें 73.18%, पॉपुलेशन डेंसिटी 398, लिंगानुपात 954 है। मुख्यमंत्री ने यहाँ 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की भी शुरुआत आपके असम से ही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है, जो कि आपका असम में पाया जाता है, असम में स्थित है। प्रश्न संख्या हमारा 10, प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार जो है मिला है, रामकृष्ण जी को, सोनम वांगचुक जी को, या दिनेश कटारिया जी को? तो ये मिला है सोनम वांगचुक को, आप सभी इनके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, किस देश की नेशनल, प्रश्न संख्या 11, किस देश की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति मिगेल डियास कानेल के नए कार्यकाल को मंजूरी दी, यानी पुराना कार्यकाल भी इन्हीं का था? तो ये फ्रांस, क्यूबा, केन्या, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें हाल ही में दूसरे कार्यकाल की मंजूरी मिल गई है। हवाना, राजधानी जो है हवाना है, प्रधानमंत्री मैनुअल मोरोरो क्रूज, और आपने राष्ट्रपति तो देख ही लिया कौन है, मिगेल डियास कानेल। और ये रहा क्यूबा आपका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, देखिए यहां पर बिल्कुल पॉइंट पे, ठीक है, एक द्वीप के रूप में है, और इसका झंडा जो है, फ्लैग जो है, ये है। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला विदेशी कप्तान कौन बन गया? हर समय आपको डेविड वार्नर ही दिख रहे होंगे हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, तो रिकॉर्ड बन रहे हैं तो देखने तो पड़ेंगे, डेविड वार्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, दीपक मिश्रा, प्रियंका सिंह, या रेणुका शर्मा? तो विक कमांडर जो है आपकी कौन, दीपक मिश्रा, इनको ही जो है वायुसेना पदक मिला है, और ये वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है अगले आने वाले एग्जाम्स में। पर संख्या 14, आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, बताइए? जैसा इमेज में देख पा रहे होंगे अपने फेमस विराट कोहली, आप लोग को बताना है कि प्रथम कौन है, प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रथम भारतीय कौन है, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं फिर कहना चाहूंगा, काफी लोग वीडियोस को, अगर यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं तो मतलब आप सीरियसली ये वीडियो को देख रहे हैं, है ना, केवल आप एक मिनट दो मिनट देख के नहीं जा रहे हैं, आप पूरा वीडियोस देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक आते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश ही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो भी कुछ शुरू से अंत तक आपने कुछ सीखा है ना, जो भी आपने पढ़ा है, तो आप एक लाइन में आंसर भी डाल सकते हो, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, या पहले क्वेश्चन है कुछ कीवर्ड उठा करके उसके सामने आंसर डाल दो, इससे क्या होगा ना, एक आपके लिए याद होने का तरीका, और बाकी जो भी व्यूअर्स आएंगे उनके लिए भी एक याद करने का तरीका बन जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के अलग से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई अगर यहाँ पे गलत जानकारी दे दी गई है ना, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, बेझिझक, हर इंसान से गलती होती है, ठीक है, लेकिन उस गलती को सुधार भी दिया जाएगा अगर आप बताते हो, हमारे द्वारा भी चेक करके उस गलती को सुधारा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।